बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंची महिला सांसद डिंपल यादव पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की है। बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां सरकार में बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के अवसर पर मैनपुरी की पहली महिला सांसद डिंपल यादव यहां शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जो पत्रकारों से रूबरू हुई। समाजवादी पार्टी के दूसरे तल पर बने हॉल में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बातें पत्रकारों के सामने रखी, जिसके बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। राहुल गांधी नामित रावण की परिभाषा से क्या समझा जाए, रावण ने तो साम्राज्य स्थापित किया था, ये गठबंधन इकट्ठा होते सवाल थे, हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहां वो रोजगार देने में विफल रही है, जहां वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो इनकी जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, इसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह सरकारी तो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज है, जिस तरह रेलवेज के साइड में जो ज़मीनें हैं उन सबको बेच रही है, उन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहाँ उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में, किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है, यह न्यायपालिका नहीं हमारे देश में, अब किस तरह का मैसेज देना चाहे तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश। मुख्य चुनाव आयोग के राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की उसके साथ आना ही लाभ देने वाली घोषणा की बात कर रही है। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पार्टी बताती है कि वो आज सरकार में आएगी तो जनता की किस तरह सेवा कर पाएगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है। आज आपने आश्रितों को उसमें एक रोडवेज कंडक्टर भी था जिसके घर जाके आप वादा करते हैं, क्या कुछ आर्थिक सहायता की है और कितने लोगों की? एस पी सिंह बघेल साहब कल मैनपुरी पहुंचे और खनल से चूंकि विधायकी का चुनाव भी लड़े हैं, उनका कहना है कि डालीपुर में अखिलेश जी पहुंचे लेकिन सांसद मैनपुरी नहीं पहुंचे अब तक, तीन दिन लोगों की गैस हुई है गाँव में विधानसभा और लोकसभा। मैं काफ़ी जगह और ये पुलिस की तरह आते हैं मैनपुरी में और इस तरह की गलत धारणा और भावना के साथ आते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता की सेवा नहीं की है, जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनका धर्म है ये जनता के बीच जाए, जनता के कष्टों का निवारण करे, जो इन्होंने नहीं किया है, कभी इस तरह की बातें करके जनता में गलत मैसेज। 2024 में आपके चुनाव की स्ट्रेटजी क्या होगी? 2024 जैसे राष्ट्रीय जी ने कहा है हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह निर्धारित होगी, निर्धारित है और लोग समझ रहे हैं और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश समझ रहा है, जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही है, कौन किसको मार दे रहा है, जहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है, बात ये नहीं है कि कौन सी जाति है, कौन से धर्म के लोग हैं, बात है कि अन्याय किस पे हो रहा है, अन्याय कैसे मिलेगा,
सवाल इस बात का है, सपा के सांसद सफी को रनान भर के उन्होंने कहा कि ओबीसी की जो नीति है वो विपक्ष के लिए है। मैडम एक आखिरी सवाल, सांसद जी आगे आगे सवाल। नहीं, लोग बड़े परेशान हैं, जहाँ इलाज के सवाल आ रहा है और जहाँ आकस्मिक कार्यों से लोगों की मृत्यु हो रही है, और जहाँ सरकार किसी भी तरह की सुविधा और ना ही किसी भी तरह का सपोर्ट कर रही है लोगों को, हम जितना हमसे हो पा रहे हैं हम उतना कोशिश कर रहे हैं उनकी सहायता करने का। जन लोक नायक जय का सारा जयंती भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं लखनऊ में, वहाँ एक अनुमति चाहते हैं ले जाने की, कितना सरकार ने बड़ा कि मजबूर होकर उन्हें दबाव बना के जाना, तो बड़ा हंगामा कर रहे हैं, कोई अपराध कर दिया उन्होंने क्या? क्योंकि लोग शायद उनके जाने गए मर्यादा जय प्रकाश जी, क्योंकि वह समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। समाजवादी पार्टी द्वारा बेटी इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जय प्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग और ये समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के बना है, ये जनता से समर्पित करने के लिए बना है, ये जनता जाने हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे, और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले, और नई पीढ़ी के लोगों में जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। तो भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इन सारे इस तरह की छोटी हरकतें कर एक बहुत ही निश्चय स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं।